हेलो गाइस, सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक मार्क जो हमने यूज़ कर लिया उसको हम करेक्टली कैसे डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, सो यूजुअली जैसे कि हमने तो एक मार्क्स की वैलिडिटी, मतलब वैलिडिटी कहें यूज़ करने की कैपेसिटी या उसकी क्षमता 4 से 6 घंटे तक की रहती है। सो उसको इस्तेमाल करने के बाद मेक इट श्योर कि आप दोनों साइड के थ्रेड तोड़ दें। ठीक है, मेक इट श्योर, डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जब भी हम इसे डंप करते हैं ना, हम ऐसे फेंक देते हैं, इट दैट इज नॉट सर्टेनली द करेक्ट वे। सो देन आपको ये रिप करना है। ठीक है, जहाँ से ये नो स्पिन पंच हुआ है उस चीज़ को रिप करना है। ठीक है, ये बहुत करेक्ट वे है इसको डंप करने है। और इट्स हमें इसको, इसका जो पार्ट होता है नो स्पिन वाला, उसको भी सर्टेनली हमें निकाल के रख देना है, क्योंकि इसमें मेटल होता है और कोविड की वजह से काफ़ी हमारा गार्बेज क्रिएट होता जा रहा है। तो मेक इट श्योर आप इसको अलग रखें, धागे दोनों साइड के काट दें और फिर इन सब चीज़ों को डंप करें गार्बेज में। डेट इज़ द करेक्ट वे किसी भी मार्क्स को, चाहे वो 3 प्लाई हो, चाहे वो 4 प्लाई हो, चाहे वो 6 प्लाई हो, आपको उसको ऐसे ही उसकी नोज पिन अलग करनी है, उसके उसके साइड के थ्रेड जो है ना कान पे लगाने वाले उसको अलग करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप लाइक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको।